अरमान मल्लिक को, आपके नजर में मल्लिक है, मेरे नजर में ना है, होगी मेहरा है, चार गो और कर ले, संभाल के रखे मैंने जी दो। अरे संभाल के रखे, देखिए अपने शौक के लिए, उसके जैसे इंसान तो कोई है ही नहीं है। अरमान मलिक को क्या उसको मारा है, क्या नाम है, एक लड़का को मारा है, एक विशाल पांडे, हाँ विशाल पांडे को, अब बताइए कृतिका मलिक को देख रहा था वो, उस लड़का ने कौन सा गलती काम कर दिया, यही ना बोला कि वो बहुत सुंदर है, भाभी बहुत सुंदर है, तो भाई सुंदर बोलना चाहिए था। पैसा उसका, दौलत उसका, शोहरत उसका, वो एक गो कर, तीन गो कर, जब उसके बीवी को रहने वाली को दिक्कत नहीं है तो आप बाहर से कहा फड़फड़ा रही है जी। अरे एक मिनट, एक मिनट सुनिए ना, बिग बॉस में इलू इलू कर लिए, हाँ पिलू क्या मतलब, क्या सुनिए सुनिए, समाज को असर पहुंचाना चाहते हैं, हम उसके पास बीवी तैयार हो जाएगी तो हम दो गो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, बीवी तैयार हो जाए देख लेगी भाभी तो घर में। अरे हम क्या समझे, अरे भैया तू चार गो करा, हम कहना चाहती हूँ कि दस गो कर ले, कैमरा के सामने ना, मतलब सब कुछ औरत बर्दाश्त कर सकती है, एक सौती नहीं बर्दाश्त कर सकती। बिग बॉस चल रहा है और इस समय जो सुर्खियों में है वो है यूट्यूबर अरमान मलिक, दो पत्नियों वाले अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक उनकी पत्नियां हैं। पायल मलिक तो बाहर हो चुकी हैं लेकिन कृतिका मलिक अभी भी घर के अंदर है। ऐसे में जनता के बीच है, जनता से जानेंगे कि इस बार बिग बॉस के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या लगता है अरमान मलिक जीत पाएंगे। वो चार शादी और कर ले, जिसके पास क्या करोड़ों का संपत्ति रहेगा तो चार चार शादी करेगा, अब बताइए ना चार चार शादी करेगा, तीन शादी हुई है, एक से दो डाइवोर्स हो गया, दूसरी पायल मलिक है, तीसरी कृतिका मलिक है, मतलब कि एक और है, तीन नहीं छोड़ चुके हैं, डाइवोर्स हो चुका, मतलब कि हुआ ना तीन, हाँ, हुई तीन ना बीबी, हाँ तीन पत्नी है, और उसके पास शायद 12 साल की बच्ची का केस भी चल रहा है, हाँ। उसके जैसे इंसान तो कोई है ये नहीं है, हाँ। कि अपने सौगार्ती के लिए 10 साल के बच्ची को नहीं छोड़ा, सजा नहीं मिली है, सजा नहीं मिली है, क्यों नहीं मिलेगी, मतलब कि अमीर आदमी करते जाएगा उसका उसको सजा ना मिलेगा, गरीबों के खाली मिलेगा, आरोप भी तो हो सकता है, फसाया जा रहा है अरमान मलिक, तो उसको सही तरह से जांचे ना, वो तो भाई कानून का, कानून के अंदर के में जज साहब के हाथ में गया हुआ है केस, अब जज साहब के हाथ में है कि उनको सजा देंगे कि बाहर करेंगे, वो तो उनके हाथ में है, पर तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अच्छा बिग बॉस देख रहे हैं इस बार, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, अरमान मलिक भी हैं, कृतिका मलिक हैं और भी बहुत सारे, कौन सा अलंग से आप देख रहे हैं, अरमान मल्लिक को आपके नजर में मल्लिक है, मेरे नजर में ना है, होगी मेहरा है, चार गो और कर ले, संभाल के रखे मैंने जी दो। अरे संभाल के रखे, देखिए अपने शौक के लिए, एक देखिए औरत नहीं बोलती है, औरत कैमरे के सामने हंसती है बोलती है तो इसका मतलब नहीं, औरत के अंदर का दुख कोई जानता नहीं है। पायल मलिक तो खुश है, वो खुश है लेकिन उसके अंदर का अभी की वीडियो देखिए, वो क्या बोले कि उस लोग के अंदर बिग बॉक्स से बाहर आएंगी तो लोग से खुद हम मैं डिसीजन ले लूंगी, खुद बोल पब्लिसिटी स्टंट रहता है उन लोग, और ठीक है कुछ भी रहे लेकिन देखिए पति सब कुछ औरत बर्दाश्त कर सकती है, एक सौती नहीं बर्दाश्त कर सकती, कर रही है खुशी खुशी, बहन जैसी है पायल कृतिका मलिक, अरे कर रही है ठीक है कर रही है, वो बात सही है आपकी भी करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर क्या रीजन है क्या नहीं वो तो हम लोग तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये जो हो गया केस हो गया, चार चार शादियाँ हो गए, ये चीजों पे मेरे जो मुख्यमंत्री जी हैं उस पर थोड़ा रोक लगा दे कि बिना डिवोर्स के लड़कियां यहाँ भाग जा रही है दूसरा मर्दाना को लेके, पहला पति को छोड़ देते हैं, तो ये चीजों पर भाई लड़का करता है तो लड़का को सजा हो रहा है, लड़कियां करती है तो लड़कियां को नहीं होता है, नहीं दोनों नजर रखना है तो दोनों पर बराबर, अरमान मलिक को क्या उसको मारा है, क्या नाम है, एक लड़का को मारा है, एक विशाल पांडे, हाँ विशाल पांडे को, हाँ। अब बताइए कृतिका मलिक को देख रहा था, कृतिका मलिक को चार चार शादियां करेगा, जनता माफ करते जाएगा, जनता का वो इतना बुर्बक हो रहा है, गलत नजर से देखिए, एक मिनट गांव समाज पर असर नहीं पहुंचता, आप कौन मुझसे बोल रहे हैं, गांव समाज पर असर नहीं पहुंच रहा है, ना पहुंच रहा है, मुद्दा पे ये ना मुद्दा पे ये, विशाल पांडे धीरे धीरे कुछ बोल रहा था कृतिका मलिक के बारे में, हाँ क्यों तभी मार, देखिए मारने का कौन हक दिया है, अगर आप सुंदर है हम सुंदर, अभी आप क्या बोले कि आप मैं आपके आगे मैं फीका हूँ, हाँ तो मैं अच्छी हूँ तो लोग मुझे अच्छी बोलते हैं, अगर मैं खराब रहूंगी तो खराब ही ना बोलेगा, तो वो उस लड़का ने कौन सा गलती काम कर दिया, यही ना बोला कि वो बहुत सुंदर है, भाभी बहुत सुंदर है, तो भाई सुंदर बोलना चाहिए था तब ये नहीं मारता, सुंदर बोला तो उसको मार दिया गया, एक कृतिका मलिक का सुंदर बोलना चाहिए था, गलत किया वो, तारीफ नहीं करना चाहिए था ना, अरे भैया जो अच्छा रहता है उसको तारीफ ही ना किया जाता है, अब देखिए भोजपुरी में शेर है खेसारी भैया, तो अच्छा एक्टिंग करता है तो लोग उसको जनता पसंद कर रहा है ना, कि अच्छा एक्टिंग करता है बहुत बड़ा सुपरस्टार है, जो अच्छा करता है उसको तो जनता अच्छा ही बोलेगा, जो खराब करेगा उसको जनता खराब ही बोलेगा ना,
तो उसको वो एक लपर मार दिया। तो विशाल सिंह को बोलना चाहिए कि तू विशाल पांडे को बोलना चाहती हूँ कि वो दो तीन लपर वो लगा देता है। नहीं वो तो नहीं मार, बेचारा रो भी रहा, रो रहा था। उसके जैसा ये नहीं ना है, उसके पास तरीका इसके पास नहीं है। चार बीबी वाला है, इसके पास क्या तरीका रहेगा? चार नहीं, दो बीबी अभी है। तीन हुआ ना, एक पछ हो गया डाइवोर्स उनसे, तो दुवे ना हुआ, तो तीन ना हुआ। गजा वाले ही महाराज, हमको समझ में नहीं आता है। पैसा उसका, दौलत उसका, शोहरत उसका, वो एगो कर तीन गो कर, जब उसके बीवी को रहने वाली को दिक्कत नहीं है तो आप बाहर से कहा फड़फड़ा रही है जी? रहने का दिक्कत नहीं है, पहले मेरे बात का जवाब दे दीजिए ना। इधर आइए, सुन के जाइए, बोलिए ना। सोशल मीडिया पर मत डालिए, गांव समाज पे असर पहुंचता है। हाँ। हम कर रहा है तो बंद कमरा में कीजिए, लोग देख रहे हैं। एक मिनट बतिए, सुनिए ना, बिग बॉस में इलू इलू कर लिए। हाँ, पिलू क्या मतलब, क्या गांव समाज को असर पहुंचाना चाहते हैं? हम कर रहे, उद्धव को शादी कर रहा है तो उसको बता रहा ना कि भाई देखो तुम मेरी पहली पत्नी, तुम मेरी दूसरी पत्नी हो, जब दोनों तैयार है साथ में तो फिर बाहर लोग का है मिर्चा लग रहा है, ये नहीं समझ। फिर गलत संदेश जा रहा है, एक वीडियो वायरल हुआ है बिग बॉस में। क्या हुआ? एक वीडियो देखे नहीं है? क्या बोलिए ना, खोल के क्या खोल के? शर्म नहीं है तो हमको शर्म है ना? आप उठा के देख लीजिए, पत्नी है ना वो लोग, क्या दिक्कत? उसको पता है ना कि बिग बॉस में कैमरा लगी हुई है, पता है, चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। इमोशन में लोग बहक जाते हैं, कोई बड़ा सीन नहीं है। आप ही जैसे आदमी ना कि समाज को यानी कि बर्बाद कर देगा। अरमान वाली को जानते हैं? अरमान वाली को जानते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। अरे कि चार मेरा रुक रहे, बहुत अच्छा आदमी हो गया। फिर हम क्या बोले, दौलत उसके पास, शोहरत उसके पास, बीवी दोनों तैयार है, इनको क्या दिक्कत हो रहा है? मिनट, दौलत उसके पास, शोहरत उसके पास, नाम उसके पास, तैयार हो जाएगा, तमुदू को कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? बीवी तैयार हो जाए, देख लेगी भाभी तो घर में। अरे हम क्या समझे भैया, तू चार को करा, हम कहना चाहती हूँ कि दस को कर ले, कैमरा के सामने ना मत। एक मिनट सुन लीजिए, संजय दत्त दाग दिफार फिल्म में जब दो को पिस्टल निकालता था, हर लड़का दो को पिस्टल नहीं निकाल देगा? खाली गलत सोचेगा। अरे निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है हर चीज में, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों सोचिए, खाली निगेटिव सोच रही है। हम कर उनके बीवी तैयार है ना जी रहने के लिए, बात खत्म। हम कह रहे हैं उनकी बीवी तैयार है, दोनों एक दूसरे के साथ रह रही है, क्या दिक्कत है? और कोई पति की, और कोई पति चाह रहा है दूसरा शादी करना? इनको नीति चाचा जैसा बना देना चाहिए, देश को बर्बाद कर देगा, बहलावा दे देगा, बहलावा दे देगा। लड़कियां लड़कियां सब, लड़का लड़की सब चार चार को करते रहे, क्या नहीं करेगा? ओकर मान बात बिग बॉस की हो रही थी, और आप भी कमेंट करके जरूर बताएं बिग बॉस कौन जीतेगा।